रसोई कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पोहा से बनने वाला एक झटपट नाश्ता जो बहुत टेस्टी रहता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक प्याली भर के पोहा लेंगे, फिर बाद में हम उसे अच्छे से वॉश करके लेंगे। हमने अच्छे से तीन बार वॉश करके लिए हैं, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और अब हम इसे थोड़ी देर 10 से 15 मिनट साइड में रखते हैं। जब तक हमारे पोहे हमने 15 मिनट के लिए फूकने के लिए रखे, तब तक हम यहाँ पर बेसन रोस्ट करके ले लेते हैं। हमने जिस मेजरमेंट से पोहा लिया था, जिस प्याली से, एक प्याली भर के, वही आधी प्याली हमने बेसन लिए हैं। इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करके लेते जब तक बेसन का कच्चापन ना जाए। अब हमारा बेसन बिल्कुल रेडी हो गया है, इसका जो कच्चा स्मेल रहता है वो भी चला गया और अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम एक वगार देंगे। अब गैस पर हमने एक तड़का पैन रखे है और उसमें डाल रहे थोड़ा सा तेल। अब हम उसमें डाल रहे हींग पाउडर, थोड़ा सा जीरा और अब हम डाल रहे तीन हरी मिर्चें और गैस बंद कर देंगे। अब करीब करीब 15 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं पोहा कैसे हो गए। देखिए सॉफ्ट हो गए हैं पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। हमने पानी इसलिए नहीं डाले थे कि अगर पानी की ज़रूरत हो तो हम बाद में डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब वो वगार हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें वो ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन भी डालेंगे। अब हम उसमें डाल रहे हैं हरा धनिया। अब हम डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और जिस तरह हम अपनी चपाती का आटा गूंथते हैं उस तरह गूंथेंगे। हमने बिल्कुल भी पहले पानी नहीं डाला था, अगर ज़रूरत लगे तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ वो पोहा का मॉइस्चर और बेसन से बाइंडिंग हुआ है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर उसे शेप देंगे और फिर उसे डीप फ्राई करेंगे। आप अपने मनपसंद शेप दे सकते हो। यहाँ पर अभी हमने राउंड शेप में बनाए हैं। देखिए एक कप पोहा से कितने सारे बॉल्स बन चुके हैं। अब हमें इसे डीप फ्राई करना है। यहाँ पर गैस पर हमने एक कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है। तेल गरम होने पर अब हम उसमें डालेंगे ये अब एक साइड से ये पक चुका है, इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई करके लेंगे। अभी ये पोहा के कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकालते हैं। लीजिए अपना पोहा से बना हुआ झटपट कटलेट बिल्कुल रेडी है। आप गर्मा गर्म इसे अपने मनपसंद चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हो।
आपने हमारी ये डिश आखिर तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारी आज की ये बनी हुई डिश आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।